नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल 3 नए विधायकों को 8 नवम्बर को दिलाई जाएगी शपथ। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के 3 नव निर्वाचित विधायकों को सोमवार को विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी। राज्य विधानसभा अध्यक्ष बिपिन सिंह परमार अपने कक्ष में जुब्बल कोटखाई से विजय रोहित ठाकुर, फतेहपुर से विजय भवानी सिंह पठानिया और अर्की से विजय संजय अवस्थी को शपथ दिलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी देव मित्र तिवारी का लंबी बीमारी के बाद निधन। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी देव मित्र तिवारी का शुक्रवार रात को निधन हो गया। उन्होंने अपने सुंदरनगर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वो 94 साल के थे। तिवारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह खंड विकास अधिकारी के पद पर सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। वह फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे थे। उन्होंने 1956 में पाकिस्तान में भारतीय टीम की तरफ से मैच खेला था। इस मुकाबले में उन्होंने भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। मंडी फुटबॉल टीम का स्तर ऊपर उठाने में उनका काफ़ी योगदान रहा। पड्डल स्टेडियम में अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। शिमला हिमालयन क्वीन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, अस्पताल में तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समर हिल के पास शनिवार शाम कालका शिमला हिमालयन क्वीन ट्रेन ने रेलवे ट्रैक पर चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। समाचार एजेंसी ANI को रेलवे अधिकारी ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। बाली के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, निधन पर जताया शोक। केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को कांगड़ा मजदूर कुटिया पहुंचे। यहां पर अनुराग ठाकुर ने पूर्व मंत्री GS बाली के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार को ढांढस बंधाया। राहत, पिछली दिवाली के मुकाबले हिमाचल के कई शहरों में कम हुआ प्रदूषण का स्तर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित धर्मशाला और मनाली की आबोहवा दिवाली पर कम दूषित हुई है। बीते वर्ष के मुकाबले प्रदेश के कई शहरों में इस बार प्रदूषण का स्तर कम रहा। बद्दी, नालागढ़ और ऊना में इस बार भी कोई सुधार नहीं हुआ। इन 3 शहरों में प्रदूषण की मात्रा बीते वर्ष की अपेक्षा और अधिक बढ़ी है। शनिवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों में यह खुलासा हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, वहीं 101 से 200 तक सीमित, 201 से 300 तक घटिया और 301 से 400 तक बहुत घटिया और 401 से अधिक मात्रा को खतरनाक माना जाता है। वहीं इस वर्ष दिवाली के अवसर पर राजधानी शिमला सहित परमाणु, धर्मशाला, डमटाल, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाम और मनाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बीते वर्ष की दिवाली के मुकाबले बेहतर रहा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबलों के 1334 पद भरने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां तय। हिमाचल पुलिस में पुरुष कांस्टेबलों के 932, महिला कांस्टेबलों के 311 और पुरुष चालकों के 91 पदों के लिए भर्ती हो रही है। वहीं पुलिस विभाग ने इन पदों को भरने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां तय कर दी हैं। कोरोना, हिमाचल में 6 संक्रमितों की मौत, 94 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, सक्रिय केस घटे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 महिलाओं समेत 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें कांगड़ा में 3, हमीरपुर में 2 और ऊना में 1 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश के 94 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना मृतकों कांगड़ा 3,757 पहुँच गया। वहीं बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 231 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 5,425 लोगों के सैंपल लिए गए। इसी महीने प्रदेश के हजारों छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में 10वीं और 12वीं के 8,800 और कॉलेजों के 900 मेधावियों को इसी माह लैपटॉप मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन विभाग ने छंटनी कर दी। अब सोमवार को कंपनी का नाम फाइनल किया जाना है। लैपटॉप आवंटन के लिए 3 कंपनियों ने आवेदन किया। अब सोमवार को 3 में से 1 कंपनी का चयन होना है, यानी यह माना जा सकता है कि मेधावी छात्रों को इसी माह में लैपटॉप मिल जाएंगे। 30,000 छात्राओं को मिलेगा वजीफा, सिंगल जुड़वा बच्चियों को राहत, सालाना मिलेंगे 36,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 30,000 छात्राएं जो सिंगल या जुड़वा है, UGC ने उन्हें बड़ी राहत दी है।
ऐसी छात्राओं को यूजीसी की तरफ से सालाना 36,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। प्रदेश के कॉलेजों में आर्थिक रूप से पिछड़ी छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। इसके लिए छात्राओं को 30 नवंबर तक आवेदन करने का समय भी दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, जिसमें प्रदेश की हजारों छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसमें जो छात्राएं आवेदन करेंगी उनकी पहले मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद ही सभी दस्तावेज चेक करने के बाद उन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे शिक्षकों के 1,300 पद। हिमाचल प्रदेश के पहली से आठवीं कक्षा के सरकारी स्कूलों में सीधी भर्ती से शिक्षकों के करीब 1,300 पद भरे जाएंगे। चुनाव आचार संहिता हटते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने लिखित परीक्षा लेने के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पद भरने की संस्तुति भेज दी है। वहीं आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द विज्ञापन जारी करने को कहा है। सीधी भर्ती के तहत JBT, TGT, नॉन मेडिकल, शास्त्री, शारीरिक और कला शिक्षकों के पद भरे जाने हैं। वहीं इनमें शारीरिक शिक्षकों के 870, कला शिक्षकों के 820, JBT के 810, TGT नॉन मेडिकल के 87 और शास्त्री के 53 पद आवंटित किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला कैडर के पदों का जिलावार भी आवंटन कर दिया है। वहीं कुल 2,640 पदों में से आधे पद बैच वाइज और शेष आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। कैबिनेट बैठक, हिमाचल में विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं, कल होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज नियमित खुले रहेंगे या बंद होंगे, इसका फैसला सोमवार को कैबिनेट बैठक में होगा। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। हालांकि दिवाली की छुट्टियों के बाद सोमवार से 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग कैबिनेट बैठक में स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से अवगत करवाएगा। वहीं विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी फैसला लेगी। स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना संबंधी प्रस्तुति देगा। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में दिवाली की छुट्टियां कारगर साबित हुई है। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी और पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को 11 और 12 नवंबर को स्कूलों में बुलाने का प्रस्ताव भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। 12 नवंबर को देश भर में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए लिखित परीक्षा होनी है। प्रदेश के 1979 स्कूलों में इस परीक्षा का आयोजन NCERT की ओर से किया जाना है। वहीं सर्वे के जरिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का शैक्षणिक मूल्यांकन किया जाएगा। चुनाव के बाद सख्त हुई सरकार, अफसरों को लताड़, जल्द सुलझाओ कोर्ट में फंसे भर्ती केस। उपचुनाव में सामने आई लोगों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवाली के एकदम बाद सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक की। इसमें कोर्ट में अटकी भर्तियां और खराब सड़कों के मामलों पर अफसरों को लताड़ भी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में भी संकोच नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि JOIT, JBT, PTI और NTT भर्ती से जुड़े मुद्दों के समाधान की जरूरत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ बैठक में कहा कि कर्मचारियों के मसले सुलझाने पर JCC की बैठक सरकार जल्द करेगी, इसलिए जिन विभागों के संबंधित मामले JCC के एजेंडे में उन्हें पहले देख लिया जाए। JCC में चूंकि नए वेतनमान को देने की घोषणा भी होनी है, इसलिए वित्त विभाग को भी कहा गया है कि वो अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ले। सोमवार को कैबिनेट में भी ये चर्चा होनी है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।